सॉन्ग बहुत ही अच्छा है, सॉन्ग आ जाओ सरकार हमारी बाहों में फर्स्ट सॉन्ग है इस एल्बम में। 6 टोटल सॉन्ग्स हैं, क्या बोलूँ, हाँ 6 टोटल सॉन्ग्स हैं। इसका टाइटल लव यू कहते कहते सर, सेंटर देखिए आप। हाँ जी सर, ये कैमरा है सर। चलिए जी जी, बहुत ही अच्छी एल्बम है लव यू कहते कहते, जिसके सिंगर हैं सलामत जी। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि सिंगर कौन है। सर ने मुझे बोला एल्बम है अक्षय, हम शूट करते हैं। मैंने कहा ठीक है, आया तो मुझे पता चला हम दिल दे चुके सनम फेम है वो, और काफ़ी अच्छे सिंगर हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है उनको सुनते हुए लाइव। बस इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग। ओके मैम, आप बताना चाहिए, आपने गाना सुना होगा, किस तरह से गाना लगा आपको? एक्चुअली मुझे गाना सुनते हुए बहुत मैं इन्जॉय कर रही थी, अभी अच्छा लग रहा है कि होप शूट भी बहुत अच्छा होगा हमारा। इसके अलावा जब आपको बोला गया कि एल्बम के लिए आपको कास्ट किया गया है, तो किस तरह का रिएक्शन रहा और आपको क्यों लगा कि ये करना चाहिए आप लोगों? एक्चुअली में जो सिंगर इतने बड़े हैं तो उनका ऑब्वियसली सॉन्ग हम लोग उसमें शूट करेंगे, तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, सो वी फील प्राउड। आप क्वेश्चंस देते रहिए ना। जैसे कि जैसे कि आपने कास्ट करते वक्त किस तरह का रिएक्शन रहा आपको, और आपको लगा कि ये आप कर सकेंगे? व्हेन आई हर्ड अबाउट माय रोल देन दैट टाइम आई वाज लिटरली जंपिंग दैट वाओ, आई फील लाइक वाओ अच्छा है, तो अच्छा लग रहा था। यस, आई केम मुंबई एंड आई एम बिलोंग फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास फैमिली, नॉट टू रिच। 2 years before I shifted in Mumbai, then I did one serial on ZTV, Seth Ji, and then Lalish 2 episodes, and now sab chal raha hai level mein. Okay ma'am, can you tell us about your regarding your experience in Bollywood? Actually I'm new here, so abhi just maine meri starting hai, to ye meri achhi starting hai. How much preparation you have done for this album, can you tell us about regarding that also? Sorry, how much preparation you have done? Yes, like workshop happened, our costumes was decided and locations was also decided. Zyada tar shoot iska Mumbai mein hone wala hai, aur outdoor locations ke liye bhi hum log jane wale hain, to ye sab abhi dekhte hain. यस, इस सॉन्ग में आपको रोमांस देखने को मिलेगा, थोड़ा फन देखने को मिलेगा, लड़का है पागल है लड़की के लिए, और थोड़ा लड़की नखरे वगैरह करती है, तो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। हम लोग मोस्टली इसको मुंबई में शूट करने वाले हैं, और आई थिंक बाहर भी जाने वाले हैं, आई थिंक गुजरात में भी इसका शूट होने वाला है। ओके, आपने टेलीविजन किया है, तो आपको क्यों लगा कि एल्बम करना चाहिए? मतलब यू डिड अ लालेश कर यस, देखिए जब भी हम कोई भी सीरियल या मूवी या जो भी करते हैं, तो मुंबई डज नॉट नीड्स एनीवन, मुंबई को ज़रूरत है नहीं किसी की, तो एक सीरियल आपने कर लिया एंड फॉर नेक्स्ट वन यू हैव टू फाइट अगेन, सो इसलिए जो जो मिल रहा है मैं ठुकराऊंगा नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अ बिग स्टार, तो जो भी मुझे मिलता रहेगा मैं करता रहूंगा, दैट्स इट। सर आपने बोला कि लड़का पागल है या लड़की पागल, कौन पागल है? यस, लड़के मतलब दोनों हैं, थोड़े मतलब लड़के दोनों हैं, दो लड़के एक्चुअली, यस 2 couples हैं, तो लड़का जो है वो पागल रहता है लड़की के लिए, लड़की बहुत नखरे वाली है ये है, और लड़का पीछे पड़ा रहता है उसके लिए। लड़की जेल कैसे रहेगी? ऐसे लोगों को झेलना थोड़ा मुश्किल ही होता है। रिलीजिंग क्या प्लान है, कौन सी रिलीजिंग? आई थिंक मे बी एसआर के चैनल से रिलीज होने वाली है। मैडम आपसे सवाल है, कितने गाने हैं इसमें? इसमें अभी तक तो आई थिंक 6 सॉन्ग है। कितने में हैं और कब कितना झेलेंगे? अभी पहले फर्स्ट कर ले, उसके बाद देखेंगे कि कितना सेट बैठ पाते हैं इसमें गाने में ये दोनों। अभी इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा कि हमें तो अपना शूट का पता है, अभी ये नहीं पता कि रिकॉर्डिंग सिंगर भी वीडियोग्राफी करेगा, वो सब मुझे नहीं जानता, आप यू कैन आस्क विद डायरेक्टर। ठीक है, ओके भाई, अखिलेश जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि सारे छोटे बड़े स्टार से लेकर हर एक छोटे बड़े आर्टिस्ट का इंटरव्यू लेते हैं और जो भी है पब्लिश करता है पब्लिश मीडिया के द्वारा। और आज ये जो टाइटल है लव यू कहते कहते, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, ये जो अफरोज़ खान म्यूज़िक डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छा संगीत बनाया है, इसके जो लिरिक्स है कैलाश कौशल जी ने लिखा है, बहुत ही अच्छा लिखा है, और
अच्छा है, जो भी होगा अच्छा होगा, बेहतर होगा, बस दुआ करते हैं। मैम आप इंट्रोडक्शन बताएं, क्या नाम है और। हाय, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज प्रेरणा। एंड हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग इन द एल्बम? या इट्स लाइक वेरी गुड एक्सपीरियंस, द सॉन्ग इज वेरी नाइस। सो या तो आप जुनून से कहना चाहूंगा कि जो एल्बम का होता है दौर, वो पहले था, अभी भी है, काफी बड़े स्टार शाहिद कपूर वगैरह काम कर चुके, तो क्या लगता है कितना कैरियर प्लान के हेल्प करेगा ये एल्बम? उम्मीदें तो काफ़ी है, काफ़ी है। हाँ, लिरिक्स बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा म्यूजिक है, टीम वर्क अच्छा हो रहा है अभी तक और आगे भी होगा, दुआ मतलब उम्मीद करते हैं। एज एन एक्टर क्या आपका स्ट्रेंथ है, किस चीज में स्किल्स आपका है, मतलब फाइटिंग, ह्यूमर, क्या है आपका स्ट्रेंथ? है अच्छा, काफ़ी स्किल्स है, रोमांटिक में भी अच्छा कर लेते हैं। और बाकी एज एन एक्टर मैंने क्राइम पेट्रोल के 30-40 एपिसोड्स ऑलरेडी कर चुका हूँ डिफरेंट कैरेक्टर्स में, और बस लगे पड़े हैं। आपने क्या स्किल्स है? मेरे में है लाइक कॉमेडी, रोमांटिक तो ऑब्वियसली ऑल्स गर्ल्स में होते हैं। एंड देन हाँ, मैंने एक एल्बम की थी, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, इश्क की चादर। आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली और नो दिल्ली। अभी एस्पेक्ट तो बहुत है इससे, सो लेट्स सी, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, देखते हैं कहाँ तक लेके जाते हैं। एक्चुअली लाइक आई डोंट नो व्हाई, मे बी यही था किस्मत में, सो यही मिला, सो यही से स्टार्ट सही, मतलब कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है, तो अगर करियर इसी से स्टार्ट होता है तो इट्स गुड, मे बी एल्बम भी इतनी ख़राब नहीं है, आई होप। थैंक यू। बहुत अच्छा सॉन्ग है, हमारे अफरोज भाई और कौशिक साहब, कौशल जी, सॉरी के कौशल जी, कैलाश कौशल जी, फिर से ले लीजिए। डायरेक्टर बहुत अच्छे कंपोजर हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, और कौशल साहब, कौशल जी, कौशल, कैलाश कौशल, कौशल के कौशल, के कौशल जी इसके गीतकार हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। बहुत अच्छा नगमा है, रोमांटिक सॉन्ग है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये गीत गाकर, और अच्छे रोमांटिक सॉन्ग है, कमाल लगता है। गा के ज़रूर। आ जाओ सरकार हमारे बाहों में, आ जाओ सरकार हमारे बाहों में, कर लो एतबार हमारे बाहों में, कर लो एतबार हमारी बाहों में, आ जाओ सरकार हमारी बाहों में, अरे आ जाओ सरकार हमारी बाहों में, कर लो एतबार हमारी बाहों में, कर लो एतबार हमारी बाहों में। जबरदस्त, थैंक यू। मैं अप्रोच आपको पूछना चाहता हूँ सर, ये जरा लव्यू कहते के बारे में बताइए, वीडियो सिंगल है, पूरा एल्बम होगा या इसमें और कितने गाने होंगे? इस एल्बम में टोटल 6 गाने हैं जी, और सारे गाने जो हैं बिल्कुल डिफरेंट जोन के हैं, और इसमें हमारे खुश नसीबी है, अपने बड़े भाई को मैं गवा रहा हूँ, चूँकि हालांकि एज वाइज ज़्यादा मेरे से बड़े नहीं हैं, लेकिन एक्सपीरियंस इनका बहुत बड़ा है, जब हम दिल्ली में रह रहे थे, जब हम इनको सुनते थे स्टेज पे, जब तालकटोरा में एक ही नाम आता था, उस्ताद मोहम्मद सलामत, तालकटोरा पूरा खचाखच भरा रहता था, और इनके गाने जब रफ़ी साहब के, चूँकि रफ़ी साहब के बहुत बड़े साधाई रहे, तो ये कभी कभी रियली प्राउड फील होता है कि हम जिनको अपना मतलब बड़ा मानते हुए सीख रहे हैं मंच पे, और उनके साथ हम अपने कंपोजिशन गवा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सलामत भाई हमारे साथ बहुत सारे गाने गाए, अभी M3 में भी इनका एक गाना था, सूफी गाना बहुत, जिसमें सारा खान हीरोइन थी, वो भी गाना काफ़ी अच्छा रहा। और बाकी हमारे साथ ये हमारे खुश नसीबी है कि मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि AR रहमान साहब का जो गाना था आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा, वो ऐसे कुछ ऐसा माहौल था कि वो हॉलीवुड पहुंच गया, लेकिन सलामत भाई तो हमारे वाकई हमारे फिल्म सैरवोसिस में रोमांटिक गाना गा के हॉलीवुड के सिंगर बने। थैंक यू। ये हकीकत है, आप एकदम सीरियसली जो एक स्टेप बाय स्टेप, चूँकि पूरी फिल्म जर्मन में बनी, उसके गाने हिंदी के थे 6 गाने, और 6 गाने में भाई ने भी 2 गाने गाए,
और बाकी हमारे और भी सिंगर थे, लेकिन सलामत भाई का ये हमेशा रहा। और आप लोग सब जानते हैं हम दिल जीत चुके सनम जो सलमान साहब का गाना था उनके फिल्म का, आज भी लोग सुनते हैं तो वैसे ही आनंद लेते हैं। और हमारे जो कौशल फिल्म प्रोडक्शन हाउस जो हमारे कौशल जी हैं बड़े भाई, ये बहुत अच्छे इंसान हैं और इनकी बहुत अच्छी कोशिश है और काफ़ी मेहनत से इन्होंने गीत लिखा है और इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ऐसे वे मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि जो गाने इन्होंने लिखे हैं सब अलग अलग जोन के हैं और सुनने वालों को भी मज़ा आएगा। और जल्द ही गाना, चूँकि इसमें और भी हमारे साथ सलामत भाई के साथ और भी बहुत सारे सिंगर्स गा रहे हैं, जो अभी चूँकि पहला गाना मेरी दिली का आई थी कि सलामत भाई के मुहूर्त से हो, थैंक यू। और चूँकि सलामत भाई बहुत दिन के बाद हमारे साथ, क्योंकि अभी तो इनका अभी एक टारगेट इंडिया का भी चल रहा है, वो भी बड़ा अच्छा है, टारगेट इंडिया आ रही मेरी अभी है। तो काफ़ी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ सलामत जी का और पूरे पब्लिश मीडिया का जो हमारे अखिलेश भाई की टीम है और तमाम मीडिया वाले। इन्होंने मुझे मेरे गानों को जब सुना देखा तो उनको ऐसा लगा कि ये गाने हाई लेवल पे जा सकते हैं और उनके सर यहाँ देखो अफरोज भाईजान ने जो हमें उत्साहित किया और ऊपर लेके आए और ये कहा कि ये गाने बहुत ऊपर जा सकते हैं, आप इनको मेरे साथ जुड़ के यही करिए काम, तो मेरे दिलो दिमाग में एक बात आया कि एक नेक इंसान जब कभी कोई सलाह देता है तो क्यों ना उनकी बात मान के और अपने काम को आगे अंजाम दिया जाए। तो इसी वजह से मैंने ये गाने लिखे और गाने ये आप तो जानते हैं कि जब यंग स्टेज में जो भी होता है, लड़का होता है लड़की होती है, उसके अंदर के जो भाव होते हैं उन भावों को बहुत गहराई में जाके जैसे समुद्र से सीप निकालने का होता है, जस्ट लाइक सेम दिल के अंदर की वो गहराई इन गानों के अंदर हमने समाई है। अब ये हमारे गायक साहब हैं इन्होंने उसको इतने तरीके से इतने मीठे स्वरों में सजाया है और संगीत प्रो के हमारे अफरोज भाईजान ने, अफरोज भाई बहुत अच्छे कंपोजर हैं, बहुत अच्छा काम करके हमारे शब्दों को अमर कर दिया, इसके लिए हम दिल से उनके एहसान मंद हैं। आप लोग कौशल जी की जो भावना है ये हकीकत है, हालांकि आप लोग हमेशा हमारे साथ रूबरू होते हैं और सब मीडिया वाले हमारे साथ रेगुलर काम करते रहते हैं। देखिए जो अच्छी चीज़ है उसको मार्केट में आना चाहिए और जब तक वो चीज़ नहीं आएगा तो लोग उसको जानेंगे कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल। और कौशल जी ने जिस तरह से लिखा है और यकीन जानिए कि कंपोजिशन भी बड़ी अच्छी बन गई कि आ जाओ सरकार हमारी बाहों में और कर लो एतबार हमारी बाहों में, मतलब अभी सलामत भाई कह रहे थे वो गाना गाते हुए कि वो सर की जो सर से वो धीरे धीरे, मैंने कहा भाई वो गाना अलग है, बोले नहीं राग तो मिल रहा है, तो मैंने कहा भाई सरगम जो है सात सुरों का सरगम वहाँ तो कहीं ना कहीं मिलते ही हैं। अब जैसे मीडिया में भी कोई अलग चैनल है, देखिए इतने सारे चैनल हैं लेकिन नाम तो मीडिया ही है, तो उसी तरह से हम लोगों का काम है, तो बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि दर्शक को एक अच्छी कंपोजिशन सुनने को मिलेगी। हाँ इसमें जो कास्ट हैं एज आर्टिस्ट धनंजय सिंह वो भी बहुत अच्छा इसमें रोल प्ले करेंगे, प्लस अक्षय उसमें गा भी रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं, फिर प्रेरणा केशु हैं हैप्पी हैं और हमारे इसके साथ अनुराग जी गा रहे हैं और प्रिया दुबे जी हैं वो गा रहे हैं और भी सना खान जी हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं जो सबको एक मज़ा आता है, सबके जोन अलग अलग हैं। और वैसे तो हमारे सलामत भाई माइंड ब्लोइंग बहुत अच्छा गाना गाया और ये मैं तब कहता हूँ ना, मैं इसके लिए नहीं बोलता हूँ, इनके अंदर अल्लाह ने वो सलाहियत दी है, सरस्वती माँ का एक ये है कि वो मतलब ऑल टाइप ऑफ सॉन्ग कुछ भी दे दो इनको, और मैंने तो मुझे याद नहीं, मैंने तो अभी तक इनको 50 से भी ज़्यादा गाने गवा दिए, हर तरह के गाने गाते हैं माशाल्लाह। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा मैं भाई से चैनल के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा इंडिया में भी टाइम दें, चूँकि म्यूज़िक डायरेक्टर आपका वेट करते हैं, तो विदेश में ठीक है अच्छी बात है और आप थोड़ा सा इंडिया में भी रहें और हम लोगों का थोड़ा सा ध्यान रखें। अभी 4-5 साल से मैं आउट ऑफ कंट्री था। यस देखिए अब रात रिकॉर्डिंग शो होते थे मगर अभी हुई नहीं, रिकॉर्डिंग में आते लेकिन म्यूज़िक डायरेक्टर परेशान हो जाता ना कि भाई अब सलामत भाई का डेट कैसे प्रोड्यूसर को बोलूँ,
अखिलेश जी तो दिक्कत हो जाता है। नहीं इधर ही हूँ अभी, अभी भाई अभी है ना, तो ठीक है। जी सर, मैं पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मुझे सबसे पहला ब्रेक दिलीप कुमार साहब ने दिया था, सायरा बानो जी ने, अनिल कपूर जी के लिए गवाया था उनके होम प्रोडक्शन सीरियल इस दुनिया के सितारे, कभी फिल्म कभी लाइफ। और मेरी खुशनसीबी है कि दिलीप कुमार साहब का मुझे प्यार मिला सायरा जी का। उसके बाद मेरी फिल्म आई, पहली फिल्म आई थी हम दिल दे चुके सलाम, सर फर्स्ट टाइटल सॉन्ग मैंने गाया था कविता जी के साथ। उसके बाद देवदास, दो लाइन तो सुना दीजिए वो टाइटल, शक्ति बाज हथियार, शहीद मेरे ब्रदर की दुल्हन, मैं कृष्णा हूँ, बहुत सारी फिल्में ऐसे गा चुका हूँ, ज़रूर सुनाऊँगा मेरा टाइटल सॉन्ग का एक। भी बहुत बार एक चीज़ कह चुका हूँ कि इनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इनका जो काम करने का अंदाज़ है बहुत ही स्ट्रेस फ्री रखते हैं माहौल को। और जब कोई नई रिकॉर्डिंग होती है, एक नया आर्टिस्ट आता है रिकॉर्डिंग रूम के अंदर जाता है, तो क्या होता है उसको इनकरेजमेंट करना बहुत ज़रूरी था, जो कि ये बहुत अच्छे से करते हैं। और अगर आप कोई चीज़ अगर आप डिलीवर करने वाले हो 50% 60%, तो वो उभार करके उसको कोशिश करते हैं कि 100% आर्टिस्ट अपना दे। तो इनके साथ काम करते हुए बहुत अच्छा लगता है। और ये जो अभी एल्बम है लव यू कहते कहते, इसके लिए भी मुझे एक गाना गवा रहे हैं अफरोज जी और कौशल जी ने लिखा है, तो आई होप कि गाना अच्छे रिकॉर्ड हो और जब ये गाना आए तो आप लोगों को सुन करके भी उतना ही मज़ा आए जितना हम लोगों को गाते हुए आता है। ये गाना अभी मैं नहीं गा सकता, लेकिन मैं मेरा अभी रिसेंट रिलीज जो सॉन्ग है फिल्म माल रोड दिल्ली से, उसके मैं दो लाइन गुनगुना देता हूँ।